नमस्कार पियर का चाचा, हमसे का गलती भैलो के बता दा। तू बतैबा ना तबले तो हम तुहार पीछा ना छोड़ब। ऐसे के वीडियो बहुत काफी वायरल हो गल है। वायरल हो जी तब तू जानते हो अपनी भाषा में तू समझावे ला खुद है। बहुत अच्छा समझावे ला, अच्छा भी लगे ला। लेकिन एक पत्रकारिता के नाते आपसे हम बता दे चाह रहे हैं कि चाचा जी बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको आपसे कोई वो नहीं है, अच्छा है हमारे पिता तुल्य हैं, अच्छा लगता है। आप माननीय हैं ये भी अच्छा लगता है, लेकिन आप एक चीज़ बता दीजिए, मैंने गलती किया क्या है? क्योंकि कौन सी गलती किया कि मुझे क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने से मना कर दिए, मेरे सवालों से भागते हैं, या फिर हमसे किसी प्रकार का दिक्कत है? फिर दोहरा ना चाह रहा हूँ, तो आप हमें बता दीजिए। आगे एक जो वीडियो आपका बहुत काफ़ी वायरल चल रहा है, छोटा नन्ना स्टार प्रचारक और अखिलेश जी का करीबी मानने वाला वीडियो कॉलिंग करता है हमें। अब हम ऐसे ही नंगे रहते हैं, वीडियो कॉल करता है, करने के बाद कहता है कि आपका वीडियो हम देखें, माननीय अखिलेश जी के यहाँ आपका वीडियो पहुँचा दिए हैं। पहले तो उसको सलाम है, उसके जज्बे को सलाम है, और एक बालक किस तरह से बात करता है, बड़ा अच्छा लगा आपको कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से थोड़ा सा न पता क्या है, आप लोग से भी विनती है कि वो एक बार मान जाएं, का दिक्कत है। फिर हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहेगी, होता है। आप नेता हैं तो हम भी पत्रकार हैं, आपका भी वही फील्ड है, आपको भी समाज पढ़ाता है, हमको भी समाज पढ़ाता है, आप भी समाज के लिए करते हैं, हम भी समाज के। लेकिन दाग देना पड़ेगा नवरत्न लाल यादव जी का। सलाम है भैया, मेरा लड़का है आपके बराबर, और आप मुझे पिता तुल्य, पिता का दर्जा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय अखिलेश जी को मेरा वीडियो पहुंचाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि चल रही है, हमारे जैसे छोटे पत्रकार का माननीय अखिलेश जी देख रहे हैं तो सैल्यूट है। और जिस तरह से उन्होंने आज वीडियो भेजा है मुझे, उस वीडियो को मैं आप दिखाऊंगा, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपको। प्रणाम नमस्कार, मैं नवरतन यादव आप सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। और मैं मोबाइल छोड़ रहा हूँ, अपना मोबाइल देखा तो एक वीडियो बहुत चल रही है और एकदम वायरल है, एकदम वायरल चल रही है। आप सब तो लगता है कौन वीडियो है, हम आप तो बताना चाहता हूँ, ये गरीब दलता परिवार जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो ये गरीब दलता परिवार है, दोनों हाथ नहीं है, और ये तो विधायक के पास जाते बहता है, और वो विधायक ये दरी से भाव खाता है, और भाव कैसे खाता है कि तुम समाजवादी हो। अब मैं नाम भी बताना चाहता हूँ, कौन विधायक है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये तो लूला आदमी जो हार बेचारे का नहीं है, वो ओम प्रकाश जी के घर पे जाता है और ओम प्रकाश जी का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने पहुंचा वो बंदा, हमारे पिता समान है। मैं हम एक वीडियो देता हूँ तो मेरा जो खून है ना थवल गया है, पूछे क्यों, दरीब के साथ अन्याय हो रहा था। और वो जाता है बोल, सर से सवाल पूछता है, सर सवाल तो जवाब नहीं दे पाते हैं, बोलते हैं तुम समाजवादी हो। इस बार बता दें, पत्रकार कोई समाजवादी नहीं होता है, वो सच्चाई के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम तो इंटरव्यू नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी आपके क्या दिमाग नहीं है क्या, दरिद्र के लिए क्या बात देने थी आपके पास, तमीज नहीं है क्या, है कि नहीं है? मैं जिसका हाथ नहीं है उसका इंटरव्यू नहीं देते हैं और बेइज्जत चलते भेजते हैं, यही धर्म है, यही काम है, यही आप तरह है। मैं अपने माननीय जी के साथ वीडियो पहुंचा दिया हूं, और ये सब जनता तो लूटने वाले हैं, और ये त्या गरीब दलते परिवार, हम तो मेरा जो छोल है छोल दिया है। इन सब तो ये सब वीडियो देखते गरीब से बदतमीजी चलते, उससे भी बच्चे हैं, उससे भी जिंदगी है, और मीडिया से कमाना चाहता है, ये कमाने नहीं देते हैं। आपके बच्चे हैं दोनों, क्या आप अपने बच्चों से लिहाज नहीं लेते? वो एक बंदा
सर सर चलता है सर 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 एक मिनट सर जवाब दीजिए, आप पूछो बेज्जत नहीं था बोलते अल बोलते कैमरा बंद करो, बोलते हैं कैमरा बंद करो बना करो, ये समझवादी का सिपाही बोल रहा है, वो समझवादी ये लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बंदे था वो पीता सामान जो मैं देखा वीडियो में, बेचारा अपने नाराज सोचे वहाँ से आता है, बताइए कैसा जमाना आ गया है, ये सब जमाना चलेगा, इस जमाना चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी थे जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो जनता तो मार धारेंगे, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीडियो भी देखा दूंगा आप तो लिंक में आप वीडियो देखिएगा, मैं बोलना चाहता हूँ इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उठो उठो ऊपर भगवान है चांद रहे उठो भगवान बनाया है ऊपर वाला ने किया है तो आप उनके इंटरव्यू नहीं दे रहे, ओम प्रसाद जी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप तो गलत भी लगता होगा आप हम तो मरवा भी दीजिएगा, हमसे देने का आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो नीचे वाला चूस नहीं कर पाएगा, जान रहे हैं मैं तो भाषा बोलता नहीं क्या बताऊं, कैसे कैसे आदमी इस दुनिया में आ रहे हैं, मैं सोचित करता हूँ कि उनको बुला के मैं इंटरव्यू दूं और अपने नेता से पास चले जाने का काम करूं, और उसे ये गरीब थे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना मदद करिए ओम प्रसाद राजभर का क्या इतना बड़ा चैनल वाला बन जाए थे यूपी में, उनकी का नाम तरे यूपी में उसी का नाम चले, हाथ नहीं है हम लोग तो हाथ है हम लोग तो खा लेते हैं, मैं चाहता तैसे साता होता हो, ये दोनों हाथ नहीं है इतना पर थे दोनों हाथ नहीं है वो तैसे थाना खाते हैं उनकी, ओम प्रसाद जी तो पता थे अच्छा थे थाना था इनके, मतलब गरीब के लिए नहीं छोड़ते आप, क्या समझवादी है आप तो सही जवाब पूछे तो समझवादी हो गया, पहले वो कहाँ था पहले, तब वो पूछा कि राजभर जी का कोई भी नाम धरा है तो ओम प्रसाद राजभर जी तो ताली पीट रहे थे, और आज सही सवाल पूछ लिया तू तो बनाने का काम करे, तू तमीज छिटी है ओम प्रसाद राजभर जी, आप तो मैं तू बोलना नहीं चाहता क्यों, क्योंकि आपका सब लीला जनता जान चुकी है, चाहिए इसी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसी में अपना वीडियो में समाप्त करता हूँ, और उस बंदे तो बढ़ाने का काम करेगा, जय हिंद जय समझवाद जय ले ऐसे आशीर्वाद प्यार बनाए रहिए, जो हमसे जलने वाले बहुत हैं और तो ऊपर वाला नहीं जलेगा नीचे वाला कुछ नहीं करेगा, जय हिंद जय समझवाद जय अतलेश अतलेश यारू जिंदाबाद है जिंदाबाद रहने। हमको तो हंसी आ रही है उस बच्चे पे, कितना ज्ञान आता कहाँ से, आपने वीडियो को देखा होगा कि कैसे कैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कह रहा है, ठीक है गलतियाँ मेरी है कि उनकी है, ये फैसला अदालत रूपी हमारे भगवान रूपी जनता बैठी है करेगी, और चाचा जी से हमें कोई नफरत नहीं है, एक नेहरू चाचा थे और एक हैं ओम प्रकाश राजभर जी चाचा पियर का चाचा जी, नफरत नहीं है कभी ना नफरत होगा ना करेंगे हम, इसलिए कि रहना जब एक ही फील्ड में है एक ही जगह रहना है, अरे गाजीपुर से आप भी हैं गाजीपुर से हम भी हैं क्या दिक्कत है, लड़ते चुनाव वहीं से हैं, रहने वाले तो आप बनारस से हैं लेकिन लड़ते चुनाव वहीं से हैं, गाजीपुर का देन है कि आप वहाँ पहुँचे, तो सोच लीजिए कि गाजीपुर के लोग जब वहाँ पहुँचा सकते हैं तो फिर कहाँ पहुँचा देंगे, आप समझ सकते हैं, तो हल्का में ना लीजिए हमें नहीं गाजीपुर वालों को, हम गाजीपुर से हैं तो पूरे गाजीपुर के तरफ से कह रहे हैं कि गाजीपुर को हल्का में ना लीजिए, और वो मिट्टी ही ऐसा है ना कि बात गोड़ हाथ मायने नहीं रखता है, मिट्टी ऐसा है ना कि हर इतिहास में एक मिट्टी उठा के देखेंगे तो इतिहास लिखा गया है उसके नाम से उस मिट्टी के नाम से, तो मैं गाजीपुर से आता हूँ तो आपसे चाहता हूँ कि आप बता दीजिए, फिर कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही नवरत्न लाल आपको मतलब जिस तरह से आप धो रहा है ऐसे ही धोता रहेगा, अब अपने शब्दों में जिस तरह से कह रहा है आप बताइए एक छोटा सा बालक किस तरह से कहेगा चाचा जी अच्छा नहीं लग रहा है, और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ और मैं बता दूँ मुझे पॉलिटिक्स किसी पॉलिटिक्स न सपा का न सुभाषपा का न भाजपा का न बसपा का किसी का
टैग नहीं चाहिए मुझे, मैं पत्रकार हूँ और पत्रकार मेरा प्रोफेशन है और इसी प्रोफेशन को लेकर मैं चलना चाहता हूँ। सबसे हमारी प्रणाम रहेगा, सबसे हमारी जी हुजूरी रहेगा और सबके सामने सर झुका के मैं काम करूँगा। मतलब सर झुकाने का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपसे हार गया हूँ, हारा नहीं हूँ ना मैं हारूंगा चाचा जी, समझ लीजिए। बस यही विनती है आपसे कि बस हमारे सवालों का जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही करता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। लेकिन हाँ, इस बच्चे का जिगर को देखकर आज और ऊर्जा मुझे मिला है जिस वीडियो में आपने देखा है, और आप कमेंट करिए। और हाँ, कितना अच्छा बोला है आप लोग, कमेंट करके बताइए। नवरत्न लाल यादव पहुँचा दिया मुझे अखिलेश जी के पास, तो अच्छा लगता है। अखिलेश जी भी अपने हैं, योगी बाबा भी अपने हैं, हमारे पियर का चाचा भी अपने हैं, मोदी भाई चाचा भी अपने हैं, सभी लोग अपने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम सबके हैं। तो चलिए मित्रों, बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, और नवरत्न लाल यादव इस वीडियो को बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ। नमस्कार, उनका लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके उनके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरे भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं कहूँगा, और पहले नहीं कहता था लेकिन अब कहने लगा हूँ, चूँकि अब लड़ाई मंत्री बनाम मतलब पत्रकार से हो गई है, समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग सपोर्ट करेंगे कि मंत्री सही है या फिर पत्रकार सही है, आपके हमें कमेंट का इसका जवाब आना चाहिए कि मंत्री सही है कि पत्रकार सही है। धन्यवाद, नमस्कार।